ज़्यादा अच्छा इसलिए लग रहा है कि ओन शो अगर मैं बात करूँ तो शी इज़ द ओनली पर्सन जो एक्चुअली मेरे बहुत करीब हैं, जिनके साथ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करती हूँ जब भी हमें मिलता है, दो वी आर वेरी बिजी इन आर स्केड्यूल्स ऑन द शो. लेकिन शना प्रोडक्शन से पहले बिकॉज आई एम क्लोज टू हर एंड इन्होंने जो मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, क्योंकि थिएटर करना मेरे लिए पहली पहली मर्तबा होगी, मैं पहली बार थिएटर करूँगी. कैमरा के ऊपर यू नो कट एक्शन करना बहुत ईजी होता है हम लोगों के लिए, इवन किसी भी टेलीविजन आर्टिस्ट के लिए, लेकिन जो परफॉर्मेंस होती है वो एक्चुअली स्टेज के ऊपर दिखाई देती है. वहीं आपका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है, वहीं आपकी वर्सेटैलिटी दिखाई देती है कि आप कैसे खुद को साबित कर सकते हो. तो ये मौका इन्होंने मुझे दिया है, आई एम फीलिंग ब्लेस्ड. इससे इसके अलावा कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ. तो पवित्रा, जैसे लोगों को बॉलीवुड में पता चला कि पवित्रा कदम रख रही है, तो लोगों का कहना है कि मेरे आईने में पवित्रा का क्या काम. वो तो कॉम्पिटिशन की बात हो जाती है और कुछ नहीं. तो एक कहावत होती है कि जब पता चले कि बराबर वाली दुकान कॉम्पिटिशन दे रही है, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके कस्टमर्स अपने पास आएँ. इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग करें इंडस्ट्री के अंदर, अपनी रूट्स को मजबूत करें, ताकि जब भी कोई नई चीज़ या नया कुछ करने की बात हो तो पहला नाम पवित्रा पूनिया का ही आए और वो शुरुआत यहाँ से हो चुकी है. बिल्कुल, जर्नी ऑफ 1000 miles बिगन्स विद द फर्स्ट स्टेप एंड दिस इज़ योर फर्स्ट स्टेप एंड आई अश्योर यू बहुत दूर तक जाएंगे इंशाल्लाह. मेरी दुआ भी है आपको. आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि मेरे और जो को आर्टिस्ट्स हैं उनको जब मैंने ऑफ़र किया तो उनमें से ज़्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं, मैं हमने कभी पहले स्टेज नहीं किया हुआ, थिएटर नहीं किया हुआ, या कुछ लोगों ने किया हुआ भी है तब भी उन्हें बहुत ऑडियंस कॉन्शियसनेस है. लेकिन पवित्रा को जब मैंने ये रोल ऑफ़र किया तो उन्होंने मुझसे दो बातें कही. एक तो ये कहा कि मैंने पहले कभी किया नहीं है स्टेज मैम, लेकिन अगर आप कहेंगे तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं करूँगी. और क्या आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूँगी? तो मैंने बताया कि मुझे आपकी ज़ात पर इतना ही कॉन्फिडेंस है जितना मुझे अपनी ज़ात पर है. और वाकई मैं ये बात सिद्के दिल से कहती हूँ कि पवित्रा माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं. और पहली मर्तबा में जब मैंने इनको ऑफ़र किया और स्क्रिप्ट दिया तो इन्होंने कहा ठीक है, मैं करूँगी. और ये सिर्फ चंद रिहर्सल्स में उन आर्टिस्टों से अच्छा कर जाएंगी जो दो दो महीने रिहर्सल करते हैं इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. ओके, इन्होंने एज अ चैलेंज इसको कबूल, चैलेंज बिल्कुल, ये एक करेज है पवित्रा में. और चैलेंज हो गई है मोहब्बत है, ऑलरेडी इट्स सीरियल है, तो क्या कह रहा था प्रोडक्शन हाउस? बहुत अच्छा सवाल है. देखिए, जिस वक्त ये सीरियल शुरू हुआ तो मेरा बड़ा फनी कैरेक्टर था. पहली बात तो ये कि पंजाबी लैंग्वेज इस तरह से बोलना कि ना वो पंजाबी है, ना वो हिंदी है, ना वो उर्दू है. तो जिस टाइप का वो कैरेक्टर था उसकी डिमांड पूरी करने के लिए मैंने जो उसमें जिद्दत पैदा की, जो नयापन पैदा किया, उसको पब्लिक ने बहुत अच्छे से लिया और बहुत अच्छा फीडबैक मिला. यहाँ तक के जो पंजाबी लोग हैं वो समझते हैं कि मैं पंजाबी हूँ. तो पहली बात तो ये कि मुझे अपने उर्दू पर भी फ़ख्र है और मैं उससे हट के कुछ करना चाहती हूँ. अभी तक लोगों ने मेरी पंजाबी सुनी है, उन्हें ये नहीं मालूम कि मैं एक राइटर भी हूँ, मैं एक शायर भी हूँ और उर्दू ज़बान के ऊपर मेरी इतनी दस्तरस है. मैं तरसती हूँ उर्दू बोलने के लिए और उर्दू में कैरेक्टर करने के लिए. तो बजाय इसके कि मैं इंतज़ार करती कि कभी कोई डायरेक्टर मुझे देखेगा, कभी कोई प्रोड्यूसर मुझे ऑफ़र करेगा, मैं जाके ऑडिशंस दूँ, मैंने सोचा कि ठीक है, आई विल बी माई ओन बॉस और जो शौक पूरा करना है वो अपने घर से हम बैठ के पूरा करेंगे. एक बात तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि जब ये सीरियल शुरू हुआ था तो मेरा कैरेक्टर काफ़ी फ़नी था. उसके बाद मेरे भी आंखों में हर वक्त आंसू रहते हैं, घर में एक प्रॉब्लम ख़त्म होता है तो दूसरा प्रॉब्लम शुरू हो जाता है. लेकिन पब्लिक हंसना चाहती है, पब्लिक मेरा वो रूप देखना चाहती है. वहाँ तो मैं जाहिर है कि कहानी को ट्विस्ट नहीं कर सकती, वहाँ कहानी को नहीं बदल सकती. तो अपना शौक़ पूरा करने के लिए और अपने दर्शकों का शौक़ और ज़रूरत पूरा करने के लिए मैंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल दिया.